प्लेयर इन द किचन। लाओ मैं देख लूँ कि किचन में क्या रखा हुआ है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ओह, देयर इज नथिंग, लेट मी चेक हियर। चलो इधर देख लूँ, क्या पता इधर कुछ रखा हो। मे बी समथिंग इज कैप्ड हियर। नथिंग इज कैप्ड हियर आल्सो, यहाँ भी कुछ नहीं रखा है। ओके एक बार फ्रिज चेक कर लेती हूँ। ओके लेट मी चेक द फ्रिज, मे बी शी हैज कुक्ड समथिंग एंड कैप्ड इट इन द फ्रिज। हो सकता है उसने कुछ खाने में बना लिया हो और फिर फ्रिज में रख दिया हो। अरे ये तो फ्रिज में भी कुछ भी नहीं है, फ्रिज भी खाली है। ओह देयर इज नथिंग इन द फ्रिज, फ्रिज इज आल्सो एम्प्टी। इट मींस शी हैज नॉट कुक्ड एनीथिंग, इसका मतलब उसने कुछ नहीं बनाया है, खाने में कुछ नहीं बनाया है। अब हम क्या खाएंगे? What will we eat? It's too late. If I start preparing lunch now, it will get late. अगर मैं अब कुछ खाना बनाने की सोचती हूँ तो ये तो बहुत देर हो जाएगी। Let me call her and ask why did she not cook anything. उसको बुलाती हूँ और पूछती हूँ कि उसने कुछ भी क्यों नहीं बनाया है। Mimi, come here in the kitchen. Mimi, इधर किचन में आओ। Yes, Mama, tell me what has happened. हाँ मामा बताइए क्या हुआ। You called me here. आपने मुझे यहाँ बुलाया था। What is the matter? क्या बात है? Is something wrong? क्या कुछ गलत हुआ है? Everything is wrong. सब कुछ गलत है। I told you to prepare lunch for everyone in the house. Why did you not prepare anything? तुमने कुछ भी क्यों नहीं बनाया? मैंने तुम्हें बोला था कि घर में सबके लिए लंच बनाकर रखना। Oh, Mama, I got busy in some work. Then no problem, we will order something from outside. मामा मैं अपने कुछ काम में बिजी हो गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। पैसे क्या तुम पे करोगी? Will you pay for that order? It will not be so expensive. ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। You don't worry. Everyone in the house will manage. हम सभी इसको मैनेज कर लेंगे, आप चिंता मत करो। क्यों चिंता ना करूं? Why shall I not get worried? तुम्हें तो रोज बाहर का खाना चाहिए। Every day you want to have meal outside. हर रोज तुम्हें तो बहाना चाहिए कि घर के बाहर का खाना मिल जाए। Every day you need some reasons to eat outside. पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। I will not let it happen. बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुम क्या सोचती हो, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं पता है। What do you think? I don't know about you and your excuses. Come here and help me in cooking meal. यहाँ आओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। हम घर पर बना खाना ही खाएंगे। We will have the food cooked at the house only. Stop crying, रोना बंद करो। I said stop crying, रोना बंद करो। What happened? Why are you crying? क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? And what is this noise about? और ये शोर किस बात का है? चलिए छोड़िए। Okay, leave it. Tell me what is there for lunch? मुझे बस इतना बता दो कि लंच में क्या है? I am hungry. मैं बहुत भूखा हूँ। तुम भूखे हो। You are hungry. I told your sister to cook something for us. मैंने तुम्हारी बहन को घर में कुछ बनाने के लिए बोला था। क्या खाना इसने बनाया है? Has she cooked food? नहीं नहीं मम्मी मैं भूखा नहीं हूँ। No, I am not hungry. मेरी भूख मर गई है। Now I am not hungry. मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। मैं जा रहा हूँ। I am going. अरे रुको रुको। Stop. Where are you going? कहाँ जा रहे हो? Come here, come back. आओ यहाँ, वापस आओ। नहीं मम्मी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मेरा पेट भरा हुआ है। नो मम्मा, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, आई एम फुली फिनिश्ड। नहीं मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नो मम्मा, आई एम नॉट लाइंग, मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल, मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ, मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम डन। ज्यादा मत बोलो। Joke of the day. आज का चुटकुला। ये बहुत मजाक की बात है। तुमसे अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। तुम और खाना, तुम्हें तो चाय भी ढंग से बनानी नहीं आती।
यू कैन कुक फूड, यू कांट इवन प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर एनीवन। तुम तो एक कप चाय भी किसी के लिए नहीं बना सकती हो। लिसन मामा, वंस आई आस्क्ड हर टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। एक बार मैंने इसको चाय का कप मेरे लिए बनाने के लिए कहा था, तो पता है इसने चाय में क्या मिलाया? डू यू नो वट डिड शी एड इन द टी? शी एडेड सॉल्ट एंड टी। इसने चाय में नमक मिलाकर दे दिया। व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई डिड यू डू दिस, जब मैंने इससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, शी टोल्ड मी दैट शी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन शुगर एंड सॉल्ट। तब इसने मुझे बताया कि इसको चीनी और नमक का फर्क ही नहीं पता है। एंड शी सेज दैट शी कैन कुक बेटर देन मी, और ये सोचती है कि ये मुझसे ज़्यादा बेटर खाना बना सकती है। मैं तो मैगी भी बना लेता हूँ। आई कैन कुक मैगी ऑल्सो। हाँ, देयर इज अ रॉकेट साइंस इन मेकिंग मैगी। हाँ, मैगी बनाने में तो रॉकेट साइंस लगी हुई है। बहुत बड़ा काम करना होता है ना मैगी बनाने में। जो मैगी बनानी तुम्हें आती है, मैगी मुझे भी आती है बनानी, और मैगी क्या, मुझे तो खाना भी बनाना आता है। एंड इट इज नॉट ओनली मैगी, आई नो हाउ टू कुक मील ऑल्सो। तुम ही खाना अपना बना हुआ खाना, मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं तो चला। स्टॉप, नो वन विल गो एनीवेयर, कोई कहीं नहीं जाएगा। कम हियर बैक, वापस आओ। I will not eat anything cooked by her. मैं कुछ भी इसका बना हुआ नहीं खाऊंगा। It's me who is going to cook food. ये मैं हूँ जो खाना बनाने जा रही हूँ। Both of you are going to help me. तुम दोनों मेरी खाना बनाने में मदद करने वाले हो। मैं और खाना बनाने में मदद? मम्मी मेरे से नहीं होगा। I cannot help you in cooking. यही कहने वाले हो ना? You are about to say this ना? हाँ मामा, यस मामा, आई वॉज ऑल्सो नॉट गोइंग टू से दैट। मैं भी ऐसा कुछ नहीं कहने वाला था। बट यू नो आई डोंट नो हाउ टू कुक, बट आपको पता है कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। शी कैन हेल्प यू, ये आपकी हेल्प कर सकती है। ये थोड़ा थोड़ा तो अच्छा खाना बनाना जानती है ना। सम हाउ शी नोज हाउ टू कुक फूड, शी विल हेल्प यू। ओके, आई विल प्लेस द डाइनिंग। मैं डाइनिंग को अच्छे से लगा दूंगा, ठीक है। I will arrange everything at the dining table. मैं डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ें अरेंज कर दूंगा। But please mama, both of you cook food. पर mama please आप दोनों खाना बनाइए। रुको रुको, अब क्या हुआ? Now stop. Don't go. What happened to you? I'm not a good cook. मैं तो एक अच्छी कुक हूँ ही नहीं। It's you who knows how to cook. ये तो तुम ही हो जिसे खाना बनाना आता है। Now come here and help us. Do you know? Half an hour is past. क्या तुम दोनों को पता है कि आधा घंटा हो चुका है? And nothing is prepared. और कुछ भी नहीं बना है. If you fight after 15 minutes, then we will have to prepare dinner instead of lunch. अगर तुम 15 मिनट और ऐसे ही लड़ते रहे ना, तो हमें लंच के बजाय डिनर प्रिपेयर करना पड़ेगा। Yes, mama, you are right. Let him go. उसको जाने दो, आप सही कह रहे हो। I will help you in kitchen. मैं आपके किचन में हेल्प करूँगी। ठीक है, ओके। नाउ टेल मी व्हाट टू डू, आप मुझे बताओ कि क्या करना है। यू डू वन थिंग, यू सोक सम पल्स। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी सी दाल को भिगो दो। दाल को पानी में भिगोना है कि दूध में? आई विल हैव टू सोक द पल्स इन मिल्क और इन द वाटर। डोंट यू नो दैट? क्या तुम्हें नहीं पता? वी सोक द पल्स इन वाटर ओनली। हम पल्स को, दाल को केवल पानी में ही भिगोते हैं, ठीक है? तुम्हें नहीं पता है? ओह मामा, आई हैड फॉरगॉटन, मैं एक्चुअली भूल गई थी। ओके, मुझे बता दीजिए दाल कहाँ रखी है, मैं उसको भिगो दूंगी। ओके, टेल मी वेयर द पल्स इज प्लेस्ड, आई विल सोक इट। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी? आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? आप मुझे घूर क्यों रही हो? आई एम जस्ट आस्किंग, टेल मी वेयर द पल्स इज कैप्ट। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि पल्स कहाँ रखी है, दाल कहाँ रखी है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? डोंट यू नो दैट? तुमको इतना भी नहीं पता है? तुम घर में ही रहती हो ना? यू लिव इन दिस हाउस ओनली ना? क्या मुझे खाना आज मिलेगा? विल आई गेट फूड टुडे ओनली? पल्स इज कैप्ट ऑन द शेल्फ। शेल्फ के ऊपर पल्स रखी हुई है, जाओ और भिगो दो। गो एंड सोक इट फास्ट, जल्दी इसको भिगो। ओके मामा, आई एम डूइंग दिस। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसको भिगोते कैसे हैं। आई डोंट इवन नो हाउ टू सोक इट। मामा, मैंने दाल भिगो दी है। मामा, आई हैव सोक्ड द पल्स। ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू वॉश्ड इट बिफोर सोकिंग? तुमने भिगोने से पहले दाल को कितनी बार धोया था?
डू वी नीड टू वॉश इट आल्सो? क्या हमें दाल को धोना भी पड़ता है? आपने तो मुझे केवल भिगोने को बोला था। यू टोल्ड मी ओनली टू सोक इट। यू डिड नॉट टेल मी दैट वी हैव टू वॉश इट आल्सो। आपने मुझे नहीं बताया कि दाल को भिगोना भी भिगोने से पहले धोना भी पड़ता है। When I ask you to eat food, I don't ask you to chew. जब मैं तुम्हें खाना खाने को बोलती हूँ तो उसको चबाने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन तब भी तुम चबाते हो ना? लेकिन still you chew that ना? एक छोटे से काम को भी बताने के लिए तुम लोगों को हजार बार समझाना पड़ता है। If I ask you to do a small thing, then I have to explain you 100 times and sometimes 1000 times before doing it. मगर समझाने का फायदा तो तब होना कि वो काम सही हो। But there is no benefit of making you understand. तुम्हें समझाने का कुछ फायदा ही नहीं होता, कुछ explain करने का फायदा नहीं होता। There is no benefit of explaining you anything. You go, I myself will cook food. तुम जाओ, मैं खुद ही खाना बना लूँगी। हाँ, यही तो मैं चाहती थी। It was my wish. I want to do this only. I need this only. मैं यही चाहती थी। आओ बाहर जाकर टीवी देख लेती हूँ। ओके, आई गो आउटसाइड एंड विल वॉच टेलीविजन। अच्छा सुनो मम्मा, किसी काम के लिए हेल्प की जरूरत हुई तो मुझे आवाज लगा लेना। ओके मम्मा, इफ यू नीड मी फॉर एनीथिंग जस्ट कॉल मी। ओके, इससे बेहतर है कि मैं काम खुद ही कर लूँ। इट्स बेटर टू डू माई वर्क माई सेल्फ। ओके, जैसी आपकी मर्जी। इट्स योर विश ओनली मम्मा। I'm offering you my help. अपनी मासूम सी मम्मी को पागल बनाना कितना आसान होता है। How much easy it is to befool your innocent mother. Innocent, मासूम, जैसे कि मेरी मम्मा, and befool मतलब पागल बनाना, जैसे कि मैं हर बार बनाती हूँ। Bye bye.